तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो सोफा के बैक साइड में जो हमारा ये फ्रेमिंग लगेगा, ये इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये सोफा की जो हमारी लंबाई है 46 इंच, तो ये 46 इंच में, और इसकी अगर हाइट की बात करें तो ये हाइट हमारा जो यहाँ से 20 इंच है, जो हमारा टॉप है टॉप से इसकी हमारे जो हाइट रहती है वो 20 इंच रहती है, और इसमें ये देखिए यहाँ से ये 5 इंच का है, तो जैसे अब अन यहाँ से 5 इंच इस प्रकार से लगा देंगे इसको, तो यहाँ पे जो हमारी जगह बचेगी वो 23 इंच जगह बचेगी, ऑलमोस्ट 23 एक इंच का सामने से फॉर्म आ जाएगा, तो ये 2 फिट की हमें सेटिंग मिलेगी। तो ये हमारा 5 इंच हो गया, हाइट की बता दिया 20 इंच, और ये देखिए यहाँ से हमने 5 इंच, ये हमारा जैसे 5 इंच है, और यहाँ से हमने 5 इंच छोड़ के इसको इस प्रकार से टेपर कट किया है, तो ये जो आप देख रहे हैं भाग ये हमारा 1.5 इंच है, और यहाँ से ये 5 इंच है, इस प्रकार से हमने क्रॉस कटिंग करना है, और ये फ्रेमिंग बनाने के बाद हम इसको फिक्स कर लेते हैं।